सब्सक्राइब करिए कृतिका होम आर्ट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बहनों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मैंने एक नया डोरमेट बनाया है, तो मेरा डोरमेट देखें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। तो मैंने ये देखो आज बिल्कुल नया बनाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा डोरमेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। तो मैं इसको बनाना बताती हूँ आपको मैंने कैसे बनाया। ये मैंने 25 फंदे से बनाया है, यहाँ पे मैंने 25 फंदे डाले हुए हैं, 12 फंदे इधर लिए हैं और 12 इधर लिए हैं और बाकी एक फंदा मैंने छोड़ दिया है। वहाँ से मैंने इसी में ये पत्ती बनाई है। तो मैं इसको आपको थोड़े से फंदे डाल के बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम ये दो कलर ले रखे हैं, तो मैं रेड वाले का फंदा डालती हूँ इसमें। मैं आपको थोड़े से फंदों पे ही डाल के बताती हूँ। ये हमने पहला फंदा डाल रखा है, अब हम इसको इस तरीके से ये फंदे अपने डालते हैं। हमारे दो फंदे हो गए, ये हम अपने ऐसे फंदे पूरे 15 फंदे डाल के पूरा कर लेते हैं। अभी हमने 15 फंदे डाल लिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक लास्ट वाला फंदा मैंने नहीं गिना। तो हमारे ये 15 फंदे हो चुके हैं और हर बार की तरह हमने यहाँ पे एक गांठ लगा रखी है। तो हमें ये वाला फंदा शुरू करनी है। हम पहली सिलाई ऐसे सादा उतार लेते हैं, देखो। तो हमें ये यहाँ से पहले 7 फंदे लेने हैं और जो मैंने इसमें 25 फंदे डाले थे तो इसमें मैंने 12 फंदे लिए थे, तो हमें 7 फंदे लेने हैं। ये देखो 4 हो चुके हैं मेरे फंदे और ये इस तरीके से मैंने 7 फंदे अपने पूरे कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला फंदा ये दूसरा कलर का लेना है, तो हम इसको दूसरा कलर लगा लेते हैं। हमें क्या करना है, हमने ये हरा कलर लगा रखा है तो हमें केवल इसमें एक ही फंदा लेना है और बाकी इसको हम दबाते हुए, ये दोनों दबाते हुए हम इसको यहाँ से रेड वाला चालू कर देते हैं। तो इसमें भी हमारे 7 फंदे हैं, हम यहाँ पे भी ये 7 फंदे अपने ले लेते हैं। तो हम इसको अपने 7 फंदे ले लेते हैं। हमें ये अब सादा सिलाई हमें पूरी ये फंदा हमें उतारना है और हमें ऐसे ही सारा फंदा एक लेना है। हमारे ये 7 फंदे हो चुके, हमें ये फंदा घुमा के पीछे कर देना है। हमें ये जो ग्रीन वाला था इसे आगे करके इसके ये फंदा हमें ले लेना है। फंदा जो हमारा हमने एक ही लिया था वो ही लेना है। अब इसको हम फिर से रेड कलर से लेते हैं। मेरा सुंदर सा डोरमेट देखने के लिए मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हमने जो एक फंदा छोड़ रखा है हम इसको अपने ग्रीन वाले से ही लेते हैं। हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारा है हम इसको आगे करके और ये ग्रीन वाले से अपना फंदा ले लेते हैं। अब जो हमने इधर 7 हमारे 7 फंदे थे तो हमारे 6 रह गए, हमको इसको तो लेना ही है क्योंकि हमारा ग्रीन था। अब एक फंदा हमें इसमें से भी लेना है तो हम इस फंदे को आगे घुमाते हुए इस फंदे को ले लेते हैं। अब जो हमने ये फंदा 3 हमारे दो एक फंदा लिया था पहले, बाद में दूसरी सिलाई पे 2 हो गए तो कुल मिला के 3 हो गए। अब हम इस फंदे को आगे लेते हुए हमें आगे रेड फंदा अपना चलाना है, तो हम अपने रेड कलर से सारे फंदे बाकी के ले लेते हैं। अब ऐसे ही हमको ये सिलाई उतारनी है, पूरी सिलाई सादा करनी है। अब हमने ये फंदा अपने ले लिया, हम इसको ये वाला कलर अपना आगे करके ये 3 फंदे अपने ले लेते हैं। इसको पीछे कर दिया, अब हम रेड वाला आगे करते हैं तो हम इसको रेड वाले से ले लेते हैं। हर सिलाई पे हमको ऐसे ही करना है,
लास्ट में हम अपने एक फंदा छोड़ते हैं इधर, एक इधर का और एक इधर का। हम ऐसे ही अपने फंदे छोड़ देते हैं और ये भी सिलाई हमको ऐसे करनी है, दोबारा घुमानी है तो हमें सारे फंदे ऐसे ही लेने हैं। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये मैं ग्रीन कलर से फिर से इसको एक फंदा बढ़ा देती हूँ, देखो रेड वाला मैं बढ़ा रही हूँ इसको, और ये हमारे तीन के पांच फंदे हो जाएंगे। पहले एक था, फिर दो तीन हुए थे, अब मैं एक इधर से ले लेती हूँ। बाकी ये मैं रेड से चलाती हूँ इन फंदों को। और हमें करना क्या है, हमें ये फंदा खींचना नहीं है, अगर हम इसको खींचते तो इस जगह हमारी झोल आ जाती है। तो हम इसको ऐसे ही चलाते हैं धीमे धीमे आराम से। हम देखो ये मेरी देखो पूरी सिलाई हो चुकी है। अब मेरा इधर एक रेड रह गया है, एक इधर रेड रह गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको लेना नहीं है, हमें एक सिलाई केवल ऐसे ही चलानी है। तो हम इसको ग्रीन वाले से दूसरी सिलाई अपनी एक घुमा देते हैं, सारी सिलाई हम ऐसे ही उतार लेते हैं। हमने एक एक फंदा छोड़ते हुए दोनों साइड से अपनी पूरा पट्टी, आधी पट्टी, हाफ पट्टी बना रखी है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम इसको इस तरीक़ा से इसको ले लेते हैं, देखो ये मेरी हाफ पट्टी बन चुकी है। एक फंदा, एक एक फंदा इधर उधर से छोड़ते हुए देखो आधी हो गई। हम इसको रेड वाले को रेड ही छोड़ देंगे, साइड के दोनों फंदे हमें केवल रेड ही रखना है साइड के फंदों को। अब हम इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें ये भी कलर ऐसे ही उतारना है ग्रीन वाले से ही। आपके पास जो भी कलर हो आप यूज कर सकते हो। देखो मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है, वो अच्छा लग रहा है ना, हाफ मेरे हाफ मेरी पत्ती बन चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे ये सिलाई ऐसे ही उतार लेनी है और इसको हम एक फंदा अपना रेड ले लेते हैं, जो ग्रीन था उसको रेड कर लेते हैं। और बाकी के फंदे जो ग्रीन थे उनको ग्रीन ही लेते हैं। ये हमने सारी सिलाई उतार ली। अब एक फंदा हमने इधर से छोड़ रखा है ग्रीन, तो हम इसको भी रेड कर लेते हैं। हमें अब फंदे रेड वाले ज़्यादा करने हैं और ग्रीन वाले कम करते जाने हैं। ये मैंने दो सिलाई बराबर ले रखी हैं तो बहुत अच्छी पत्ती आती है, ना झोल आती है ना कुछ भी होता है। अब हम इसको सारी सिलाई को अपनी ऐसे ही रेड वाले फंदे रेड से उतारने हैं और ग्रीन वाले ग्रीन से ही उतारने हैं। अब देखो ये मेरे ग्रीन वाले सारे फंदे उतर गए हैं। हम इसको रेड वाले को आगे फंदे करके हमको ये रेड वाले रेड ही लेने हैं। तो हमने ये दोनों फंदे अपने रेड ले लिए। अब हमें आगे की सिलाई में क्या करना है, इस फंदे को हम उतार लेते हैं, इसको हमें बुन लेना है। अब जो एक ग्रीन वाला है उसका भी रेड करना है। अब इसको हम बाकी के हमारे ग्रीन हैं उनको हम सारे फंदों को ग्रीन ही ले लेते हैं। रेड वाले फंदे जो हमारे हैं हमें उनको रेड ही लेना है। जैसे हमने हर सिलाई पे पहले आधी पत्ती पे छोड़े थे उसी सिलाई पे हम आधी पत्ती पे बढ़ाते जाते हैं। अब देखो मैंने इधर से भी एक ग्रीन छोड़ा, अब मैं इसको भी एक रेड कर लेती हूँ। तो मेरे तीन फंदे हो गए, पहले दो एक था फिर दो हुए, अब तीन हो गए।
तो हमको ऐसे ही उतारते हुए अपनी हमने इधर से छोड़ी है, इधर से बढ़ाना है। तो सारे फंदे एक छोड़ने के बाद रेड कर ले, हमको रेड कर लेना है। तो हमें ये सारी पत्ती अपनी ऐसी बनानी है, तो ऐसी ही मेरी पत्ती बन जाती है। ये देखो मैंने अपनी पूरी वीडियो पूरा आसन बना रखा है। तो ये मैंने पत्ती अपनी उतार ली। अब जो ये मेरा ग्रीन एक लास्ट का फंदा था, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ती हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से केवल ये ग्रीन कलर ही लगाना है। जो हम ये पत्ती अपनी बनाएंगे, ये जो मेरी पत्ती है आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरी पत्ती है मैं यहाँ से इसको इसी तरह ये पत्ती लगानी है। तो जो मेरे ये इधर उधर के रेड हैं, देखो ये जो रेड कमूरे हैं मेरे, तो हम रेड नहीं लगाएंगे, हम इसको ग्रीन अपना धागा यहाँ पे लगा लेते हैं। और रेड वाला भी धागा हमें तोड़ना नहीं है, हमें ये रेड वाला धागा तोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है। तो हम ये सारी अपनी एक सलाई ग्रीन वाले से उतारते हैं, क्योंकि हमें ये पत्ती बनानी है ना, तो इस वजह से देखो हम ये अपनी सारी सलाई ग्रीन वाले से उतार लेते हैं। अब जो मेरा एक फंदा था ग्रीन वाला बचा है, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। हमें सारी सिलाई ग्रीन फंदे से ही लेनी है, ये तो हमने ग्रीन कलर ही ले रखा है, क्योंकि हमें दो कलर की ही इसमें पत्ती डालनी है। लेकिन मेरा डोरमेट देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब मुझे इसमें क्या करना है, अब हम ये फंदा अपना ऐसे ही उतारते हुए ले जाते हैं। हर सिलाई पे हमको दो दो फंदे छोड़ने हैं, तब हमारी पत्ती बन के आएगी। ये हम दो दो फंदे छोड़ देते हैं। अभी देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये दो अपने फंदे ग्रीन वाले छोड़ दिए। अब हम इसको ये फंदा घुमाते, हम इसी को यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फंदा जो हमारा बुना हुआ है, हम इसको उतार छोड़ देते हैं, सादा उतार लेते हैं और फिर यहाँ से ही हम चालू कर देते हैं। तो देखो ये मेरी सिलाई एक हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से इसी कलर से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी दो कलर में पत्ती बनी हुई है, तो मैं आपको दो ही कलर में बना के दिखाती हूँ। आप चाहें इसमें तीन कलर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसको दो ही कलर में बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं दिखाती हूँ इसकी झालर बनाने के लिए, कमूरे वाली झालर बनाती हूँ। तो देखो मैंने इसमें भी अपने दो फंदे छोड़ दिए। तो हमें हर सिलाई पे दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है। मैं अपनी पत्ती पूरी करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने पूरी अपनी लाइन बना ली है, सिलाई उतार ली। अब मेरे देखो बराबर से फंदे उतरते हुए, दो दो फंदे घटाते हुए पूरी पट्टी बन जाती है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अपनी सादा सिलाई ऐसे ही उतार लेती हूँ इसी कलर से, और उसके बाद मैं अपना रेड कलर लगा के दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको। देखो ये मैंने अपनी पूरी सिलाई उतार ली। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं अपना रेड कलर लगाऊंगी। देखो अच्छा लग रहा है ना, जब मैं इसमें अब रेड कलर की पत्ती आपको बताती हूँ। मैं ये रेड देखो ये मैंने लगा रखा है। मैं पूरी सिलाई उतारते हुए ऐसे ही पत्ती अपनी बनानी है, जैसे मैंने अभी बताई है ग्रीन वाली। तो मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। तो मैं अपनी ये देखो मैंने ये आपको हाफ पत्ती बना के दिखाई है, तो आप भी ऐसी बनाइए।
दो दो फंदे छोड़ते हुए, देखो बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा ही मेरा ये डोरमेट हो जाएगा। अभी मैंने इसको सिला नहीं है, सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो साइड की झल्लर है लास्ट वाली, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ और बना के ही बताऊँगी कमूरे वाले। और तो मैं इसको झल्लर अपनी दिखाती हूँ, कमूरे वाली जाली डाल के आपको वो दिखाऊँगी कि जाली डाल के कमूरे कैसे बनते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा अगर डोरमेट अच्छा लगे तो आप कमेंट करें प्लीज़ भाई। डोरीमोन वाला कमेंट मत करना अभी भी। थैंक यू।